गठबंधन सरकार, आप सबको पता है गठबंधन सरकार क्या होती है। गठबंधन का मतलब होता है कि जब किसी भी एक दल को, हमारे कई सारे दल है, कांग्रेस है, बीजेपी है, सपा है, कई सारे दल है, जब किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत, मतलब उसे मत नहीं मिल पाते, उसे पर्याप्त मत नहीं मिल पाते या वोट नहीं मिल पाते जो वो सरकार बना पाए। सरकार कौन बनाता है? जिसको पर्याप्त मत मिलते हैं। जब वो नहीं बना पाता तो वो अपने दूसरे दलों से क्या ले लेता है? सहयोग लेता है, कुछ सीटें ले लेता है। तो जब दो या दो से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं, दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो वो गठबंधन की सरकार कहलाती है। क्या कहलाती है वो? गठबंधन की सरकार। अब आप देखिए हमारे जो मोदी जी है, गठबंधन की सरकार मोदी जी है, वो हमारे उनकी गठबंधन की सरकार नहीं है। उनकी कैसी है सरकार? उनको अपना स्पष्ट बहुमत मिला हुआ है, उन्हें स्पष्ट बहुमत मिला हुआ है। उन्होंने किसी भी दल के साथ मिलकर कोई सरकार नहीं बनाई है, उनकी पार्टी को खुद स्पष्ट बहुमत मिला था। इसलिए हमारे केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की। केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की। ये क्वेश्चन कई बार आता भी है कि हमारे केंद्र में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो गठबंधन सरकार कई बार एक नंबर में भी आ जाता है। फिर हमारा है भारत में विकेंद्रीकरण। अब हमारा टॉपिक है विकेंद्रीकरण। डिसेंट्रलाइजेशन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। इसका मतलब होता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कुछ शक्तियां किसको दे दी जाए? स्थानीय सरकार को। किसकी? केंद्र सरकार की। और राज्य सरकार की कुछ शक्तियां किसको दे दी जाए? स्थानीय सरकार को। जब दे दी जाती है तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं वो? सत्ता का विकेंद्रीकरण। मतलब लोकल सरकार जो होती है वो अपने स्तर पर अपनी समस्याओं का अधिक तरह से क्या निकाल लेती है? हल निकाल लेती है। सत्ता का विकेंद्रीकरण के पीछे सोच क्या थी? यही सोच थी, जब केंद्र राज्य की शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो इसे कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। इसके पीछे बुनियादी सोच क्या थी? ये क्वेश्चन आता कई बार, इसके पीछे बुनियादी सोच क्या थी? इसके पीछे अनेक मुद्दों समस्याओं का निपटारा लोकल स्तर आसानी से हो जाता है। लोगों को अपने इलाके की और समस्याओं की बेहतर समझ होती है। जो गाँव के लोग होते हैं उन्हें पता होता है कि गाँव में क्या कमियां हैं, कैसे करना है। उनकी वो अपनी समस्याओं को आसानी से हल कर पाते हैं। पैसा कहाँ खर्च किया जाए, किस कुशलता के साथ खर्च किया जाए, ये भी स्थानीय लोगों को अच्छी तरह से पता होता है। कहाँ पे नाली बनवानी है, कहाँ स्कूल खुलवाने हैं, कहाँ किस चीज की समस्या है, वो उसको अच्छी तरह से जानते हैं। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसले लेने में सीधे भागीदारी बनाना भी संभव होता है। इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया, सत्ता को बांट दिया गया स्थानीय सरकार में। पहले क्या था, स्थानीय सरकार या लोकल गवर्नमेंट को इतने अधिक वो नहीं मिलेंगे थे, अधिकार नहीं मिलेंगे थे, बहुत अधिक अधिकार मिलते इसके लोकल गवर्नमेंट को। और वो उनके क्या था, उनके सभी राज्यों में गाँव के स्तर पर ग्राम पंचायतें होती है, नगर पालिकाओं की स्थापना होती है, स्थानीय सरकारों को नियमित ढंग से चुनाव भी कराए जाते हैं। लेकिन पहले क्या था, अब कराए जाते हैं नियमित रूप से चुनाव। पहले नियमित रूप से चुनाव नहीं कराए जाते थे, ना कोई उनकी सभाएं होती थी, ना उनकी बैठक होती थी। 1992 के बाद जब विकेंद्रीकरण हुआ सत्ता का, तब ये कदम उठाया गया संविधान में, तब उसके बाद क्वेश्चन आता है 1992 के बाद सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ तो कौन कौन से कदम उठाए गए? तो पहला था कि अब स्थानीय सरकारों के नियमित रूप से चुनाव होने लगे। क्या होने लगे? नियमित रूप से चुनाव। चुनाव नियमित होंगे,
ये चुनाव नियमित नहीं होते थे, हर 5 साल बाद चुनाव होने लगे। एक परिवर्तन ये हुआ। सेकंड परिवर्तन हुआ, अब स्थानीय निर्वाचित जितने भी निकाय थे उनके पद उनके उनमें भी सीटें आरक्षित की गई, अनुसूचित जनजाति के लिए की गई, कुछ महिलाओं के लिए भी उसमें सीटें आरक्षित की गई। अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। अनुसूचित जाति जनजाति अनुसूचित जनजाति SC ST जिसे कहते हैं और महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित कर दी गई। इसमें निकायों के चुनाव, पंचायतों के और नगर पालिका के चुनाव में, और हर राज्य में पंचायत नगर पालिका के चुनाव कराने के लिए उन्हें चुनाव आयोग स्वतंत्र आयोग के रूप में काम करने लगा, संस्था के रूप में काम करने लगा। राज्य सरकारों को अपने राजस्व का, अपने राजस्व के अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय सरकारों को भी देना पड़ा, क्योंकि अपना खर्चा कैसे चलाए। तो राज्य सरकार अपने राजस्व का, जो हमसे इनकम टैक्स लिया जाता है, टोल टैक्स लिया जाता है, उनका कुछ हिस्सा किसको देने लगी, लोकल सरकारों को। और इस तरह से ये प्रत्येक गाँव में क्या हुआ, ग्राम पंचायत, आपने देखा ग्राम पंचायत होती है गाँव में, ग्राम पंचायत एक परिषद की तरह कार्य करने लगी, उसका एक अध्यक्ष होता है। आपने देखा नगर पालिका में भी चुनाव होते हैं, वार्ड के चुनाव होते हैं, फिर उसके आयुक्त के अध्यक्ष के चुनाव होते हैं। हमारे हापुड़ का अध्यक्ष कौन है, प्रफुल्ल सारा वो सबको पता है ना, हापुड़ का कौन है अध्यक्ष नगर पालिका का, प्रफुल्ल सारा सर। और उसके चुने हुए उसको कहते हैं मेयर, नगर निगम के चुने हुए अध्यक्ष को क्या कहते हैं, मेयर। कई बार भी क्वेश्चन आता है नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को क्या कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, इसे मेयर कहा जाता है। स्थानीय सरकारों की इस व्यवस्था से लोकतंत्र मजबूत हुआ, क्या हुआ इससे लोकतंत्र मजबूत हुआ है। नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है, कितने लोगों का चुनाव होता है, 36 लाख लोगों का। ये संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों की आबादी के बराबर है, जितना हमारे यहाँ ग्राम पंचायत और नगर पालिका के चुनाव में हिस्सा लेते हैं 36 लाख लोग लेते हैं, उतनी तो किसी देश की जनसंख्या भी है, मतलब इतने लोग हमारे यहाँ चुनाव में हिस्सा लेते हैं। महिलाओं को प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को उठाया गया है, ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत बन सके। लोकतंत्र का मतलब ही क्या है, जिसमें हर व्यक्ति को आज़ादी हो, मत देने की आज़ादी हो, चुनावों में खड़े होने की आज़ादी हो, अपना शासक चुनने की आज़ादी हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, अपनी बात कहने की स्वतंत्रता हो। तो महिलाओं को जो पहले भागीदारी नहीं मिलती थी, लेकिन इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए उनको राजनीति में हिस्सेदारी दी गई और इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत बना, क्योंकि संघवाद जो है वही लोकतंत्र की आत्मा है। तो इस तरह से अब नियमित उनकी बैठक होने लगी। राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पहले पर्याप्त अधिकार नहीं दिए थे, बट 1992 के बाद जब संशोधन किया गया संविधान में, तब स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार दिए गए और अब वो पर्याप्त रूप से हर पांच साल बाद वहाँ नियमित रूप से क्या होते, चुनाव होते हैं। वहाँ ग्राम पंचायत चुनी जाती है, नगर पालिका का अध्यक्ष चुना जाता है। नगर पालिका क्या करती है बच्चों, हमारे शहर की सफाई का ध्यान रखती है, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, ये सारी चीजें नगर पालिका के जिम्मे होती है। तो इस चैप्टर में ये सारी चीजें थी, संघवाद क्या है, संघवाद की क्या विशेषता है और कौन कौन सी सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, फिर हमारा विकेंद्रीकरण, इसके टॉपिक है विकेंद्रीकरण, ग्राम पंचायत है ना, ये सारी चीजें। और इसके कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको लिखा देती हूँ, आप लिख लो सब लोग। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो मैं आपको लिखाती हूँ। पहला तो आप लिख सकते हो संघवाद क्या है, ये संघवाद क्या है। तो पहला पेज नंबर आप 14 निकालिए, संघवाद क्या है मैं आपको बताती हूँ और आप उसको लिख कर चलना।